सुनो चंदा, आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा। ये सूट भी है तुम्हारे लिए? ये अलकरम की फर्स्ट कलेक्शन जिम्मी जी। बहुत प्यारा है। और अगर कोई साइज वाइज का फर्क हो ना तो तुम जाके चेंज भी करा सकती हो। हैं अरसल, तुम तो नहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? हे जिया, तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? कहाँ हो क्राइम पार्टनर, कसम से बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं कि तुम उसके साथ की करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अब बताएं मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर तो खैर पूरा तुम्हारा है। मैंने क्या किया शरी? ओवर रिएक्ट किया तुमने इस पूरी सिचुएशन पे, जो कि एटलीस्ट मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे और अरसल का रिश्ता फाइनल कर दिया है हमारे पेरेंट्स ने, शायद आप ही नहीं जानते हो। मुझे बताया था जिया ने। तो फिर बताएं मुझे, क्या अरसल को सूट करता है कि वो पूरे दिन लेके जिया के नाम की तस्बीह पढ़ते रहे? केंजा, लिसन टू मी, 19-20 साल का साथ है उन दोनों का, जो कि इस तरह 19-20 दिनों में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मेरी फीलिंग्स का तो कोई लिहाज रखना चाहिए था। उसके लिए तुम्हें अरसल के दिल में पहले जगह बनानी होगी, फिर ही वो सोचेगा तुम्हारे लिए। लेकिन कैसे? तुम्हें इस पूरी सिचुएशन को बहुत सेंसिबली टैकल करना होगा, वरना अरसल तुमसे तंग आके तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं देख के आऊं अरसल कहां पे। ठीक। मुझे सॉरी करना चाहिए अरसल से, ऐसे ही गुस्सा आ गया था। पता नहीं क्या सोचते होगे मेरे बारे में, पहले तो बड़े दावे करती थी। किंजा, तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुगढ़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़के सुहा हो जाएगी। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। क्या किया है, मेरा क्या कसूर है? आई थिंक वो काफी हर्ट है, थोड़ा टाइम दो उसे। तुझे किसने बताया? किंजा बता रही थी कि शाना पापा ने उसे काफी बातें सुनाई है। अम्मा ने की तो ज्यादती है उसके साथ। हाँ यार, अच्छा भी प्लीज यहाँ से चलो, शाहना पप्पू आ गई तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
एक तो मैं जहाँ भी होती हूँ ना, आप मेरे पीछे पीछे चले आते। अरे जहाँ शमा होगी वहाँ परवाना तो है क्या? सोच ले, शमा परवाने को जला के राख कर देती, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए। हाय बिलो जी, इस दिल का क्या बताएं, ये तो कब का जलकर राख हो चुका, अब तो थोड़ा सा राख पड़ा हुआ है जिसमें कभी कभी चिंगारी बड़क उठता है। हाय आपको पछतो नहीं आता, वरना हम अपने जज्बात का पुल पीलिंग के साथ इजहार करता। अच्छा मसले? आपका ये कनेक्टिव चूड़ियों के बारे में गाना गाता है, ऐसा गाना स्तरगे सुनाता है आपको कि आप भी करती लोशे लोशे लोशे। आपको पता है चूड़िया कौन लेके आया है? देखो कोई ऐसा बात नहीं करना जिससे हमारा मीटर शॉर्ट हो जाए, हम पठान आदमी है, हमारे अंदर गैरत और गुस्सा बहुत तेज होता है। तो रहने दे, काम को आपका दिल टूट जाएगा। ना ना बिलो जी, दुनिया में कुछ भी तोड़ लेना लेकिन कभी हमारा दिल और उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना प्लीज। ये चूड़ियां किसने दी? ये चूड़ियां ना जमशेद जी लेके आए और उन्होंने अपने हाथों से पहनाई, अच्छी है ना? देखो वही 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 वही, तौबा तौबा, ऐसा घटिया चूड़ियां, ये उसका प्यार है तुम्हारे लिए? हम तुम्हारे लिए पिखावर से चूड़ियां मंगवाएगा, ऐसी चूड़ियां मंगवाएगा, ऐसी चूड़ियां मंगवाएगा कि तुम भी अश अश कर उठेगा। वो चूड़ियां देखना तुमसे बात करेगा। सच? झूला देना। हाँ करा। Come on, अर्सल, बस भी कर दे यार। बहुत दुख हुआ यार मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर। हाँ वैसे जिया रोने वालों में से तो नहीं है। इसी बात ने तो हर्ट किया मुझे। By the way, कहीं तेरा प्यार व्यार का सीन ऑन तो नहीं हो गया उसके साथ? I don't know, लेकिन इस हाल में नहीं देख सकता मैं उसको। अबे आहिस्ता बोल, जिया ने सुन लिया ना तो जान से मार देगी तुझे। मारी तो गया। देख अर्सल, ये तेरे दिमाग में जो खनाज भर रहा है ना, इसको निकाल दे। मैंने और जिया ने काफी लंबी प्लानिंग कर ली है। कैसी प्लानिंग? अब्रॉड जाके पढ़ने की और अपना करियर बनाने की। तो चली जाए अब्रॉड, मैंने कब रोका उसे अपनी जिंदगी जीने से। वो ये नीचे शोर कैसा हो रहा है? फिर अम्मा और बिलो आंटी की लड़ाई हो गई होगी, तंग आ गए। हाय मैंने तेरी जान निकाल देनी है, उतार ये चूड़ियां, उतार चूड़ियां, छोड़ उतार दे। नहीं क्या उधम मचाया हुआ है घर में, इंसानों की तरह से रहने की तमीज नहीं है क्या? ना बी जान तमीज सिखानी है ना तो इसको सिखाए, इस बिलो बांदरी को जिसने अन्नी डाली हुई है पूरे कार में। ओहो शाना क्या हो गया, ये आधी रात को कौन सा कट्टा खोल लिया? आपके खुले हुए कट्टे बांदरियों में जमशेद साहब, इस बिल्लो बांदरी को बोले उतारे ये चूड़ियां, मेरे सुहाग की चूड़ियां। शाना तुम्हारा सुहाग इन चूड़ियों में कहां से आ गया, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो तुम? हाय बीजन आपकी ये जो बेचारी है ना, ये नामहरम मर्दों से रमजान उल मुबारक के बा बरकत महीने के अंदर ना तोहफे लेती फिरती है, इसे किसी खूंटे से बांधे नहीं तो मेरे हाथों जाया हो जाना इसने। बिल्लो किसने दिए तुम्हें ये चूड़ियां? मैंने नहीं दी। तोबा, तुमने नहीं दी? कहो शाहना भाभी का सर की कसम तुमने नहीं दी और अपने हाथों से बिल्लो की चूड़ियां नहीं पहने। जलाल भाई आप तो चुप करें ना। भाई क्यों जलाल भाई जन चुप रहे, अपनी चेची से कहें कि ये चूड़ियां फौरन उतार दे वरना मैंने टोका लेकर आना और इसका बाजू ही बांट के ना उधर सुट देना, बाद में कराते रहना प्लास्टिक सर्जरियां। बस कर दे आप लोग, इतनी रात को भी आप लोगों को चैन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं ये जो तेरा बाप है ना, इसका हर तीसरे चौथे दिन ना इश्क आशिकी का टक्कन खुल जाता है, इसके काले बालों पे ना जाना अंदर से चाटा सारा सफेद है, बजाय ये कि अल्लाह अल्लाह करे बांदरियों को चूड़िया लेके देता फिर रहा है। अब्बा सही कह रही है माँ, आप भी ये वही मुराद बनना बात करे बस। पागल तो नहीं हो गए, ऐसी इल्जाम लगा रही तुम्हारी माँ मुझ पे? इल्जाम? मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है आपको ये वंगा चढ़ाते हुए। हाय पुत्र फिर तो तुझसे भी बड़ा बगैरत कोई नहीं इस दुनिया में, एक अद्धी लाश वहीं पे गिरा देनी थी, बाद में पुलिस को हम खुद ही मत्था दे लेते। ये लाशें अपने अपने कमरे में जाके गिराओ, ये जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है, घर ना हुआ पागल खाना हो गया। अब बिल्लो तुम चलो मेरे साथ, चलो
इसको समझाओ, रमजान मुबारक का इहतराम करे। शाबाश भाभी, ऐसे ही रखो, तुम हमको गैरतमंद लगे। शाबाश। सारे बगैर जमा हो गए, तर जाए इनका। थैंक गॉड तुम अपने हिजरे से तो बाहर निकली। कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त देख के एक शेर याद आ रहा है। देखी है पहली बार उसकी आंखों में नमी, यूं लग रहा है जैसे समंदर उदास है। मैं कोई उदास उदास नहीं हूं शेरी, गलत फहमी है आपको। और होना भी नहीं चाहिए, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। यार असल तुम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ, उनकी एक कॉल आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? सर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखो जी, अभी भी कह रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं है। कब से इतनी जल्दी हार मानना शुरू कर दिए जिया? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जाम फेस कर चुके हैं। लेकिन असल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ। क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। मैं अब यार ये फजूल बातें नहीं सह सकती। ये झूठे इल्जाम नहीं होते अब मुझसे बर्दाश्त। तुम बता क्यों नहीं देते हो अपने मम्मी जी को कि नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे तुम में? बंद करो ना जमशेद साहब, ये अपने जो खाते खोले में, और मुझे जरा चूड़ियों का हिसाब दो पहले। बाहर कचेरी लगा के सुकून नहीं आया तुम्हें? नहीं सुकून नहीं आया मुझे, सुकून मुझे उस दिन आना है जिस दिन आपने मुझे ये गल दसनी है कि हर हफ्ते दो हफ्ते के बाद आपको ये इश्क में चुप्पी का कीड़ा क्यों काटता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 300 रुपए की चूड़ियों के लिए 3 घंटे बर्बाद कर दी तुमने सबके। हाँ और यहाँ पे जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी किसी को परवाह नहीं है। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, अपने बेटे की शादी की तैयारियां करो, वैसे दिन कम रह गए। एक गल मेरी ना कान खोल के सुन लो और अपने पल्ले बांध लो। आज के बाद बिल्लो बांदरी के आसे पासे मुझे नजर आए ना तो मैंने आपकी जिंदगी के दिन कम कर देने। ये जो डायरी खोली हुई है ना इसके अंदर लिख लो। इतनी मुश्किल से मनाया था, अब नाक से लकीरें भी खींचूंगा ना तो माफ नहीं करेगी बिल्लो मुझे। हिसाब किताब में लिख लूंगा। सर मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जाम फेस कर चुके हैं। लेकिन असल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ। क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। असल थोड़ी सी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुम। I'm sorry अरसल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शरी को भी बताया कि क्या हुआ और उन्होंने भी यही बोला कि गलती मेरी थी और मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो तुम्हें शरी के कहने पे रिलाइज हुआ? नहीं नहीं,
नहीं ऐसा कुछ नहीं था वो, असल में मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है किंजा। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाके जिया से भी माफी मांग लेती। नो नो प्लीज, उससे कोई बात ना करना, वो बहुत डिस्टर्ब है। और मैं भी सोने जा रहा हूँ। I said please, I'm sorry. से बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो तो कैसी बेसुध पड़ी हुई है मेरी बच्ची। मुझे शहरी ने बताया था कि रात को शाहाना ने फिर कोई हंगामा किया। सच पूछो मियां, तो मेरा जी ये करता है कि शाहाना का हाथ पकड़ूं और उसे पागलखाने में जमा करवा दूं। बीजान, उसे पागलखाने छोड़ने से पहले इस बिल्लो को तो थोड़ी अकल दे। हाँ, तुम तो शहाना की साइड लोगी ना, तुम्हारी समझन जो बनने को है। देखिए बीजन, ये बात नहीं है। इसे क्या जरूरत थी चूड़ियां लेने की जमशेद से? और तुम्हें क्या जरूरत थी दोनों भाइयों का दिल खराब करके अपनी बेटी का रिश्ता करने की? अब आप ये चूड़ियों वाली बात किसी और तरफ लेके जा रही हैं। तो तुम्हें खुद अकल करनी चाहिए। यतीम मस्कीन बच्ची है, कोई वाली वारिस नहीं है, एक भाई है जो उससे बात तक नहीं करता है। जो भी दो बोल प्यार के बोल देता है उसको अपना लेती है। लगता है इस घर के मर्द ही इसके अपने हैं। देखो मासूमा, बिल्लो के किरदार के ऊपर उंगली मत उठाना। सच बताओ, तुमने कभी इससे प्यार से बात की है? मगर कहा, तुम्हें तो अपनी साजिशों से फुर्सत मिलेगी तब ना। बीजान, बीजान ठीक कह रही है, तुम्ही लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए ना। मासूमा, हाय मासूमा, तू यहाँ पे बैठी हुई है इन सब लोगों के साथ? जामा क्लॉथ मार्केट नहीं चलना किंजा और अलसर की बरी लेने के लिए है? आ जा विजय, मैं जरा कपड़े ले आऊं। हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ, कौन रोक सकता है तुम्हें। इतना बुरा लग रहा है मेरा आना, तो मैं चला जाता हूँ। बैठो बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना। अच्छा अरसल से पूछो ना, बिलीने के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए? आइए बैठा हुआ अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए बलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल है। मैंने नहीं जाना, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए? देखो ना, पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना। अच्छा चल तू रहने दे, तू पागल है। वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बदल ले, जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करें, बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक कलर पसंद नहीं है? कौन सा तुमने पहनना? तो तुमने देखना तो है ना। हाँ तो तुम्हें इससे क्या? थैंक यू अरसल जमशेद अली, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा क्या लेना देना इस मसले से। जिया कब तक खफा होगी मुझसे यार? मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। भागती हुई आओगी, इतना कमजोर रिश्ता नहीं है हमारा।
मैं आऊंगी। गुलाबी रंग वलीमे पे। यहाँ पर किंजा और अरसल की शादी की तैयारियां हो रही है और माँ को कुछ पता ही नहीं है। तुम कहो तो मैं बात करूं जमशेद से। कोई जरूरत नहीं है, जमशेद की आंखों पर तो चर्बी चढ़ गई है, परवाह ही नहीं है उसको माँ की। यही बात तो मुझे भी बहुत बुरी लग रही है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं भी ईद से पहले वापस लंदन चला जाऊं। हाँ हाँ, मैदान छोड़कर तुम तो सबसे पहले भागोगे, तुम्हारा तो पुराना वतीरा है ये। मुमताज बेगम, अब तुम माजी के ताने देना बंद कर दो। कैसे कैसे भूल जाऊं, फांस की तरह से अटका हुआ है गले में। तुम कहो तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो तुमसे। अरे बीजान, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। आओ बेटा, रही सही कसर जो है वो तुम पूरी कर लो। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग बैठो, मैं जाके अरबेला को देखूं, पता नहीं बुखार में कहाँ चली गई और वो शहर भी दवाइयां लेकर नहीं आया अभी तक। जी आप बैठे, हमें आपसे भी बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ जाओ शाहजहां, शुक्र करो कि इस घर में कोई बुड्ढा बुड्ढी को अहमियत दे रहा है, वरना यहाँ तो हर एक अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाए घूम रहा है। बीजान, बात कुछ यूं है कि वो हम चाह। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, अब कौन सा बम रह गया जो तुमने गिराना है हम पर। बीजान देखिए, घर में अरसल और किंजा की शादी की तैयारियां तो हो रही हैं शुरू, हम बस चाहते हैं कि वो। ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं खानदान के आगे ये सवाल जवाब नहीं कर सकती। खानदान वालों को तो हम संभाल लेंगे ना, आप बस अरसल से कहिए कि वो क्या तलाक दे दे जिया को। वैसे भी मेरी तबीयत अपना एहसास रहती है, मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ तो जल्दी जल्दी सोचूंगा ना, बस यही कहना था। नहीं सही तबीयत मेरी। मेरे पास कोई माल वाल नहीं है। हाँ अभी बता रहा हूँ। कोई मुखबरी नहीं करानी? फिर अपनी बहन जिया के पास जाओ, उसे कह सल्लू भाई के पैर पे चोट लगी है बहुत जोर से। आप तो ठीक है। अच्छा ये जरा नब्ज भी चेक कर दे डॉक्टर साहब, जितना कहा है उतना का डॉक्टर ना बन ज्यादा, और जरा सनसनी खेज लहजे में बताई। पैसा फेंक तमाशा देख। तुझे शर्म नहीं आती रमजान में ये रिश्वत मांगते हुए? आपको शर्म नहीं आती रमजान में मासूम बच्चे से झूठ बुलवाते हुए? जितना तू ऊपर है ना जमीन के, इससे दो गुना नीचे है। ये पकड़ 200 रुपया और गोली की तरह उड़ता बजा। 200 रुपये में बंदा उड़ता हुआ नहीं, रिंगता रिंगता जाता है। मिलेंगे ब्रेक के बाद। लो भाई, मेल कर दिया मैंने तुम्हारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। थैंक्स। इतना रोका थैंक यू बोलोगी तो माइंड कर जाऊंगा मैं। शरी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, एडमिशन। लेकिन मुझे फिर भी वैसी खुशी नहीं मिल रही, दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स इनकार ना कर दें। वैसे आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद के फौरन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में हिम्मत कर लें। चलो तुम हिम्मत करो, मैं जरा आगा जी और बीजान के लिए इफ्तारी ले आऊं। क्या हो गया शेर यार, पागल हो गए हो? अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह, मैं बना देती हूँ उनके लिए। तौबा करो, बीजान गर्दन उड़ा देंगी मेरी, वैसे ही पूरे घर वालों से इतनी खफा है वो। हाँ वैसे जिद की पक्की तो है। चलो सी यू बाय जी। अभी ब्रेकिंग न्यूज़।
टीजे, मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ, खुदा का वास्ता है कोई बुरी न्यूज नहीं देना। बुरी न्यूज नहीं, सिर्फ भाई पापा को चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। क्या, कैसे लगी, कैसे? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे ना। हटो यहाँ से। किसने कहा पैर पे चोट लगी है? तू कहाँ लगी है? यहाँ दिल पर। मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है, भाग कर आई हो कि नहीं? तुम एक नंबर छुछुंदर, चीटर और पैदाशी झूठे हो। तुम्हारा क्राइम पार्टनर रहा हूँ, इस मामले में तुम्हारे पे गया हूँ 100%। शट अप। ओए सुनो ना यार, बैठो, बात करनी है बहुत जरूरी। ओ मिस्टर, मैं रात की इंसल्ट ना अभी तक भूली नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी आज करा लूंगा तुम्हारी वजह से, और बुरा भी नहीं मनाऊंगा जैसे तुम मना के बैठी हुई हो। जो बात करनी है यहीं पे करो। बैठ रही हो कि उठा के बिठाऊं तुम्हें? नहीं सर, मुझे नहीं जाना, अम्मा बहुत डांटती है यार, मुझे डर लगता है। नहीं, अरे बेफिक्र रहना, हूं ना मैं, अम्मा को कह दूंगा कि उम्मा वाली के घर फौजी हो गई है। ओ मेरा चीता, इतना तेरा मुंह चूम लूं? नहीं नहीं नहीं, अब मुंह ना चूमे, बस 500 रुपए का इसी रख करवाते, बड़ी जरूरी बात करनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तुम्हारा भाई ना मुझे जहर लगता है, जब इस पे प्यार आने लगे ना ये बीच में पैसे घुसेड़ देता है। तुमने चलना है कि नहीं चलना? करा दूंगा तेरे लोड, डीजे खबरदार, अगर किसी को पता लगा तो। किसको बताना नहीं, चलो चलो चलो। थैंक यू, सही तरह बैठो। नहीं मैं ना, मैंने, तुम चलो, तुम जल्दी चलो। अगर बिलो जी आपका सर का कसम, उसकी जगह आम होता ना, आम मर जाता, लेकिन ना आपका चूड़ियां नहीं उतारने देता। किसी बात पे तो रोना सरासर तोही ने आपका। बिलो जी सिर्फ एक मिनट सोचो, एक मिनट का खेल है। क्या सोचूं? यही, जमशेदरी मर गया आपके लिए, उसका कब्र अपने दिल में बनाओ और जितना रोना है रो लो एक मर्तबा। मेरी बला से बाहर में जाए वो। दोबारा मुंह नहीं लगाना उसे, ठीक है? और तड़पा तड़पा कर मारना उस बुजदिल के बच्चे को। ऐसे ही करूंगी अब मैं। शाबाश शाबाश, तो फिर ठीक है, कल हम इसी खुशी में इफ्तारी करने जाएगा मोटरसाइकिल पे। मासूमा अपा जान में कॉल देंगे आप? अरे आपकी खातिर तुम पूरे पेशावर से लड़ जाएगा, ये मासूमा की चिड़िया का नाम है। अच्छा फिर देख लेते कितने पानी में आओ कर। वोई 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 वोई। स्तास्तर के डेर खुले दे। मतलब? तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जी मासूमा आपा। अच्छे लो चीज़। मासूमा बी जान को मनाओ ना, मेरा दिल बहुत खफा हो रहा है उनकी नाराजगी से। उनको क्या मनाना है, वो जोड़ के अपना सर बैठ गई, आगा जी के साथ कोने में इत्तेहाद कर लिया उन्होंने। ऊपर से अफ्तारियां और सहरियां भी बाहर से आ रही है उनके लिए। उन्हें तो बाहर का खाना सूट ही नहीं करता, बीमार हो जाएंगी वो। अपनी जिद की भी तो गुलाम है वो। अभी घर जाके ना उनसे बात करते हैं, वैसे भी उनको मनाना तो है ना शादी से पहले। उनसे बात करने से पहले आप अपने बेटे से पूछ लें उसके इरादे क्या है ना। क्या मतलब है इसका? वो देखो, वो देखो। फिर जिया को अपनी शाही सवारी पे बैठा के पूरा शहर घुमा रहा है आपका इकलौता। हाय, तेज करो एक्सीलेटर, तैयार पैर रखो, एनो फड़ो, एनो मैं मोटरसाइकिल तो ला के ने छतर मारने ने सारी दुनिया ने देखा, तेज करे। अरे भाई कोई जरूरत नहीं दुनिया को तमाशा दिखाने की, घर जाके बात कर लेना। नहीं इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं भाई, ओफो लोग देख रहे हैं भाई, घर जाके बात करेंगे। जमशेद साहब तेज करो, एनो मैं इतने ठीक करा। निकल गया वो, निकल गया, अभी घर जाके बात करना। सच सच मुझे बता दो डीजे, कहां गई है जिया? मामा आपको बताया तो है, वो हुमा बाजी है ना, उनकी घर फौजी हो गई है। मिलाओ उसे फोन, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें फौत कर दूंगी। मामा फौजी मेरे घर में कौन नंबर उठाता है आप बताएं ना। बोलो कितने पैसे दिए तुम्हें झूठ बोलने के लिए, बोलो। मामा मैं फौजी पे झूठ नहीं बोलता क्योंकि मेरे बिजनेस के भी कुछ रूल है। नहीं माँ मुझे ये बता की जो तू और तेरी बेटी है किन चक्करों में है। क्या हो गया भाभी, रोजा ज्यादा लग रहा है? कुछ तो शर्म यहाँ से खा लो अपनी बेटी को ना। मुझे ये बताओ कि वो पिछल पैरी एक ही बारी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? किया क्या है उसने,
ना क्या किया उसने, बेहया बन के मोटरसाइकिल पर बैठ के सलू के पीछे चली गई है। आज आ जाए ना वापस, देखना दोनों की टांगे तोड़ूंगी मैं। ओफो शाना, अब तक ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, असल से मैं खुद बात कर लूंगा जब आएगा। खुद बात कर लें और अभी के अभी बुलाएं दोनों को वापस। कहता हूँ मैं उसे, जाके इफ्तारी की तैयारी करो, रोजा खुलने में 5 मिनट रह गए। क्या हो रहा है इस घर में, पता नहीं कौन देखेगा। तुम्हें पता था ये सब? क्या हुआ? लगती है यार मैंने नहीं बैठना तुम्हारे साथ बाइक। तुम्हें आज तक बाइक पे बैठना नहीं आया। असल सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरी दुनिया की सैर करा ली लेकिन वो बात नहीं बताई जो तुम बताना चाह रहे थे। जिया बात ये है, फॉर गॉड सेक प्लीज ये मत कहना कि तुम किंजा से शादी नहीं कर सकते हो अब। वाकई ये बात है जी? क्या पागल हो गए हो, अब जियो या मरो तुम्हें किंजा से ही शादी करनी पड़ेगी। क्या वो मेरी टाइप की नहीं है यार? अरे ना मैं तुम्हारी टाइप की हूँ ना वो तुम्हारी टाइप की है, तो तुम चाहते क्या हो? बस मेरा दिल नहीं खुश उसके साथ। यार खुदा का वास्ता है गोली मारो अपने दिल विल को यार, हद हो गई है। मतलब असल अब कल को तुम ये उठ के बोलोगे कि हम दोनों को एक साथ रहना है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ असल ये जिस तरह तुमने नजरें चुराई है ना, मुझे खतरे की घंटी ऐसे ऐसे इमेजिन होना शुरू हो गई है यार। तुम प्लीज ये मत कह देना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि असल में सच बता रही हूँ, मैं मर सकती हूँ लेकिन झूठ मूठ का इकरार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। जी अब्बा जी आया। अब्बा जी क्या हुआ? अब्बा ने हमें बाइक पे फिरते देख लिया। अच्छा अच्छा खान साहब आप चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? इतनी गैरत के नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है वहाँ क्या होता है। तो कह रहे हैं बीजान। अच्छा तुम तो चुप रहो, कर तू उतना कोई बल्ले कर दी बल्ले बल्ले। वैसे भी जान माफ करना बुरा ना मनाना, करतूत आपकी पोती के भी कुछ चंगे नहीं है। क्यों क्या किया मेरी बेटी ने, कौन से झंडे लगा दिए? आपका तो बस नहीं चलता उसको फांसी से लटका दे। शाहाना नहीं, हर जगह चोंच लड़ाने की जरूरत नहीं होती, बैठो चुप करके। इतनी अकल होती ना इनमें तो आज ये नौबत ना आती। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। तुम दोनों कहाँ बाइक पे घूमते फिर रहे हो? अब्बा मैं तो इसको दोस्त के साथ छोड़ने गया था। ना तुम्हारा लगता है क्या ताल्लुक क्या है तेरा, क्यों वरगला रहा है मेरी बेटी को? मैं क्यों वरगलाऊंगा आपकी बेटी को? तेरा ताल्लुक क्या है इसके साथ, क्यों लिए लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? मैं क्यों नहीं घुमा सकता मैं जिया को? इसलिए बेटे जो ताल्लुक था ना तुम दोनों का वो खत्म हो चुका है। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अभी भी जिया मेरे निकाह में है, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे इसके साथ घूमने से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो आपने सुनी है, निकाह हुआ था मेरा जिया के साथ। जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक दे सबके सामने, एक सेकंड के अंदर अंदर। हो गया एक सेकंड, नहीं देता तलाक क्या कर लेंगे आप? तेरी ऐसी की तैसी अभी जमीन से उगा नहीं है और मुझे बता रहा है। नजाकत पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आगा जान मेरा बीपी शूट कर गया, मैं इसका दिमाग सही कर दूंगा, ये जानता नहीं है मुझे। फालतू है मेरा पुत्र है और तू भी अरसद पुत्र, तेरी लव सुना इस कुड़ी को, किस्सा मुका मगरोला। जुबान संभाल कर बात करो शहाना, जल्दी पर तेल डालने की जरूरत नहीं है। ना कौन सी जल्दी पर तेल छिड़क रही हूँ मैं बीजान है, यहाँ पे तो पहले इनको फॉर्मर लगे हुए। मैं कह रही हूँ किसे को मुका गल मुक्ति मुका। बीजान शहाना ठीक ही कह रही है, अब इस किसे को खत्म हो जाना चाहिए। ना हाँ जमशेद तुम तो ये कहोगे शहाना ने कह दिया पत्थर पर लकीर हो गया, बस अभी कभी तलाक दो मेरी बेटी को बस। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारा तो बाप भी देगा तलाक,
पूरे खानदान के इश्तहार लगवा दूंगा पूरे शहर में। अपना ये शौक भी पूरा कर ले, देखते हैं फिर क्या होता है। अरे बड़ा फन्ने खां बने फिरता है ये, दो पेशियों की मार है ये केस, दो पेशियों की मार, खत्म करवा दूंगा मैं। हाय अल्लाह संभाल, नजाकत भाई को राशा पड़ के दवा डाल इनके मुंह के अंदर, दवा कट्टा खोल के बैठ गए। कट्टा भी तो तुम्हारे बेटे निकोल है ना, तो बन जाए उससे। आप तो चुप करें जलाल भाई, चल अपने मुंह में चला नसवार भाई, चल तुम भी अपना चलो 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 जिया, किसी का पैर नहीं है। ओ ला चुप, ये खाना जाना तुम्हारा। अम्मी आप साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती शाना मानी से? बेटा हजार बार तो की है, शाना खुद रातों रात उसे जान छुड़ाना चाह रही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है, पता नहीं क्या चल रहा है उस जुड़ेल के दिमाग में। उसके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो चुका है ऐसा की बातें सुन सुन के। बेटा सब सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मासूमा बेगम टेंशन क्यों ना ले, हम क्यों ना ले? तुम्हारा भतीजे का इरादा ठीक नहीं लग रहा, आजकल वो पंजाबी फिल्मों का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस जी आप ही की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। और तुम कुछ भी बोलो, जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ। सुनो